क्लास टेंथ वेलकम टू रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और अब तक हम डिस्कस कर रहे थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। और हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ देखा, लाइक प्लांटेशन वर्कर्स में देखा हमने, पीजेंट्स में देखा, ट्राइबल कम्युनिटी में देखा, और उसको डिटेल में स्टडी किया। तो जब हम डिटेल में स्टडी कर रहे थे बच्चों, तब एक चीज आपने शायद नोटिस की हो, एंड दैट वाज कि गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था, नॉन वायलेंस सत्याग्रह, राइट। बट ट्राइबल कम्युनिटी कैसे यूज कर रही थी वायलेंस से। आपने उधर देखा जब प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो टी वाले आसाम वाले, उनके साथ क्या हुआ, उनको मारा पीटा गया ब्रूटली। तो एक तरीके से वायलेंस हुआ, उधर से हुआ या इधर से हुआ, जान गई, ठीक है। वो गांधी जी नहीं चाहते, और इसी रीजन की वजह से उनको वापस से, जैसे कि उन्होंने सत्याग्रह बंद किया था वायलेंस की वजह से, उन्हें फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड टर्मोइल दैट वाज टेकिंग प्लेस एंड द हॉस्टाइल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द पुअर पीपल दैट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। थोड़ा मैंने जल्दी बोल दिया, समझा देती हूँ। जो कुछ भी हो रहा था, वायलेंस का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर गरीब लोगों के साथ, मजबूर लोगों के साथ, ये सब देखते हुए गांधी जी को लगा कि अब उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, एंड इट शुड स्टॉप ही। फाइनली फरवरी में, दैट इज 22, एक और डेट आ गई आज, 1922 एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गया बिकॉज ऑफ द वायलेंस, ठीक है। वन मार्क क्वेश्चन आता है, ये वन मार्क क्वेश्चन है, बस ये वर्ड आपका वन मार्क क्वेश्चन है क्लास टेंथ की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों विड्रॉ किया जबकि वो अच्छा खासा चल रहा था। तो विड्रॉ करने की रीजन थी बिकॉज द मूवमेंट वॉज गेटिंग वायलेंट ऑल ओवर द कंट्री साइड, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू विड्रॉ द मूवमेंट, बिकॉज हिज प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स वॉज सत्याग्रह एंड नो वायलेंस, राइट। ओके, अब 1919 में यहाँ पे कुछ अब नई चीजें होंगी। देखो, एक किस्सा हुआ सत्याग्रह, खत्म हो गया। दूसरा किस्सा हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खत्म हो गया। आज से हम तीसरा किस्सा शुरू करेंगे। इस लेक्चर में मैं सिर्फ दो ही चीजें डील करूंगी आज की, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में बच्चों बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ हुआ है, तो एक साथ मैं इसको नहीं कवर करूंगी, छोटे छोटे वीडियोस की रहेंगी ताकि आप आसानी से उसको समझ पाए, ठीक है। तो आज हम सिर्फ कवर करेंगे सैलम कमीशन और दांडी मार्च। अब ये क्या है, लेट्स सी। तो 1919 की बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम ब्रिटिश एक्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट दैट इज जो कि ब्रिटिश चला रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि वो इलेक्शंस हेल्ड करवाएंगे भारत में, दैट इज प्रोविंशियल इलेक्शंस, प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन हेल्ड कराएंगे, जो बैठ के मेजर डिसीजन लेती है कंट्रीमैन के लिए, ठीक। अब कांग्रेस के कुछ लोगों को लगा कि ये बहुत सही वक्त है, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो चल रहा है ना, सब मोनोपोली चल रही है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नहीं चल रहे हैं, ये सब बंद करवा देंगे, अपने संविधान को बदल देंगे, ठीक है। कुछ कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगा, तो कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में ताकि वो चेंज कर सके नॉन डेमोक्रेटिक चीजें, ठीक है। तो अब उसमें कुछ लोगों ने कुछ चीजों को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कुछ चीजों को सपोर्ट किया, जैसे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, स्वराज पार्टी बना ली, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ने थे प्रोविंशियल इलेक्शन, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी, यानी कि हमारा राज होगा, वंस वी विल विन तो हमें वोट करो। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उनका एक अलग सोच थी, क्योंकि यहाँ पे जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे बदलाव लाने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और आपके सुभाष चंद्र बोस ये बदलाव नहीं चाहते थे, ये दे वॉन्ट फुल इंडिपेंडेंस, दे वॉन्ट ब्रिटिशर्स टू जस्ट लीव, वो चाहते थे कि वो चले जाए और संपूर्ण जो है पूर्ण स्वराज आ जाए और सिर्फ इंडिपेंडेंस आ जाए, उनका कुछ चीजें बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए इन लोगों की दो अलग अलग टीम बन गई और ये सब चलता रहा, मीटिंग्स होती रही, लोग आपस में प्लानिंग करते रहे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आपको देखने को मिलेंगे बच्चों 1920s में, वो दो मिलेंगे, दो बातें मिलेंगी यहाँ पे। अब दो अलग अलग डायमेंशन से, यानी कि पहलू हो गए। पहला पहलू वो हुआ जहां से हमने अपना चैप्टर शुरू किया था, दैट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक। इकोनॉमिक डिप्रेशन 1921 तक चला था, अगर वो ईयर आपको याद आया हो, जहां पे फैमीन महामारी फैल गई थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया था,
अब उसका क्या असर हुआ, भारत में फाइनली क्या स्थिति उसकी बनी, तो यहाँ तक भी, क्योंकि यहाँ पे हम सिविल डिसोबीडियंस भी चला रहे हैं, तो यहाँ तक भी हम देख पा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो गिर गए। लोग बहुत सस्ते दामों पे एग्रीकल्चर की चीजें खरीदने लगे, तो जब प्राइस गिर गए तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया तो डिमांड डिक्लाइन हो गई। डिमांड डिक्लाइन होने की वजह से हार्वेस्ट नहीं बिच रहा था, और हार्वेस्ट नहीं बिचने की वजह से जो पीजेंट्स थे बेचारे, वो पीजेंट्स अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। अब ये तो आपको पता है ना कि पीजेंट्स का रेवेन्यू बहुत मांगा जा रहा था, इसी की वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी कि वो रेवेन्यू को कम कराना चाहते हैं। तो भाई अब तो और भी बुरी स्थिति हो गई, एक तो हाई रेवेन्यू ऊपर से उनका हार्वेस्ट नहीं बिच रहा है, तो ये स्थिति ने एक टर्मोइल यानी कि बहुत ही सैड सिचुएशन क्रिएट कर दी 1930s में। बहुत बुरा वक्त आ गया, ये एक हिस्सा था, ये सिक्के का एक पहलू था, ऐसा सोचो, ये भी चल रहा था। दूसरी तरफ क्या चल रहा था, दूसरी तरफ कुछ और भी चल रहा था, और वो क्या था, वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, सेम कमीशन है, और यहाँ पे भी इतना ही डिटेल में है, उसको देख लेते हैं एक बार। इसको हम सेंचुरी कमीशन बोल सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने सेट किया। उन्होंने क्यों सेट किया, वो चाहते थे कि जो एक टीम बनाई जाए, वो टीम क्या करे, निगरानी करे, पूरे चीजों को देखे अच्छे से भारत में, और उसके बाद संविधान बदलवा दे, जो जो भी संभव है बढ़िया बढ़िया चेंजेस, वो चेंजेस वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में करवा दे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि पूरे इनके कमीशन में भारतीय वो मेंबर था ही नहीं, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, नो इंडियन मेंबर। और कोई ब्रिटिशर आके हमारा संविधान बदल जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, हमारे प्रिंसिपल्स बदल दे, ये हमारे इंडियन में किसी को मंजूर नहीं था। तो इवन चाहे वो मुस्लिम्स भी हो या हिंदूज भी हो, सारे लोग जो थे वो बस खिलाफ थे साइमन कमीशन के, और चाहते थे कि साइमन कमीशन नाम की चीज भारत से बिल्कुल चली जाए। तो उन्होंने मोर्चे किए, नारेबाजी की, बैनर लगाए और खूब रैली निकाली, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, हम किसी ब्रिटिशर्स को, बाहर वाले को अपने ऊपर सुपरविजन नहीं देंगे, और ना ही हम उसको कुछ बदलने की इजाजत देंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया, जिसकी वीडियो मैं यहीं अटैच कर रही हूँ इसी टॉपिक के आगे। दैट इज कि व्हाट हैपेंड, सी चिल्ड्रन, अब थोड़ा सा जो है, जो साइमन कमीशन था उसके बाद अक्टूबर 1929 में वाइसरॉय लॉयड इरविन ने अनाउंस कर दिया डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस होता है जहां पे पूरी की पूरी डोमिनेंसी चलती है। ठीक, तो क्योंकि लोग बॉयकॉट कर रहे थे साइमन कमीशन को, ब्रिटिशर्स जाओ और साइमन गो बैक इस तरीके से, तो लॉर्ड इरविन ने जो था डोमिनियन स्टेटस वहां पे अनाउंस कर दिया कि अब भारत में डोमिनियन स्टेटस चलेगा। सडनली उसी के बाद क्या होता है, 1926 में लाहौर कांग्रेस पूर्ण स्वराज का एक एम अपने दिमाग में तैयार कर लेती है। देखो बच्चों, कुछ इसमें जो आपका चैप्टर है, जो आपकी बुक है, उसमें जो ऑर्डर है ना, वो ऊपर नीचे है। आप चाहो तो इसको ऐसा समझ लो, ये पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था। ठीक है, पर क्योंकि इसका कनेक्शन इससे है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं और उसको बाद में पढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो दिसंबर 1926 की बात है, लाहौर कांग्रेस ने एक सेशन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और वहां पे ये डिसाइड हुआ कि अब भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब बहुत हो गया ये सब, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या हो जाए, ब्रिटिशर्स क्या क्या और इम्प्लीमेंट कर दें, सो वी वॉन्ट पूर्ण स्वराज। और सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि चलो अब खुद को इंडिपेंडेंट खुद ही डिक्लेयर कर लेते हैं, और उन्होंने मिलके एक दिन, दैट इज 26 जनवरी 1930, उन्होंने एक दिन निर्धारित किया जब वो खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। कौन, कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर। ठीक है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो जाएगा इस दिन। ठीक, अब देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये 26 की बात है दिसंबर की, लाहौर कांग्रेस सेशन में ये तय किया गया कि अब उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि एक काम करते हैं, 26 जनवरी 1930 को अपने आप को पूरा संपूर्ण इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा वो हमारे हिसाब से होगा, नॉट विद अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स। पर इसको करने के लिए पूरे भारत को एकजुट होना बहुत जरूरी था, सबको आवाज उठाना बहुत जरूरी था, लेकिन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं किया, और इनका ये आइडिया फ्लॉप हो गया। ठीक है, अब इनका ये आइडिया जैसे ही फ्लॉप हुआ, गांधी जी प्लान ही कर रहे थे अपने दिमाग में कि अब क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे और क्या क्या जरूरी है,
क्या क्या उन्हें चाहिए। इसी बीच में अक्टूबर 29 में वाइसरॉय ने क्या डिक्लेयर कर दिया, डोमिनियन स्टेटस डिक्लेयर कर दिया। और वहीं पर 31 जनवरी 1930 को जैसे ही डोमिनियन स्टेटस डिक्लेयर हुआ, ये पहला कांड था, ये दूसरा था और ये तीसरा है। जैसे ही डोमिनियन स्टेटस बच्चों डिक्लेयर हुआ, गांधी जी ने 31 जनवरी को एक खत लिख के भेज दिया, एक पत्र लिख के भेज दिया, एमजे मतलब महात्मा गांधी, रॉट लेटर टू इरविन, ठीक है, वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें क्या लिखा, स्टेटिंग 11 डिमांड्स, जिसमें 11 मांगे थी, कुछ बहुत जरूरी भी मांगे थी, वर्कर्स की मांगे थी, कुछ ट्रेडर्स की मांगे थी, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट की मांगे थी, उसमें बहुत सारे लोगों की मांगे इन्वॉल्व थी, डिमांड्स इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो 11 डिमांड्स उसमें थी, जिसकी जिसमें की सबसे बड़ी जो हाईलाइटिंग डिमांड थी वो थी, हाईलाइटेड डिमांड वाज टू एबॉलिश टैक्स ऑन सॉल्ट, कि जो नमक पर ब्रिटिश राज ने जो मोनोपोली लगा दी थी कि अब नमक हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, हम ही बेचेंगे और नमक लेने पर टैक्स देना पड़ेगा, ये जो उन्होंने काम किया था ये बहुत बुरा था और सबसे भयावह था। इसको वर्स्ट फेज ऑफ ब्रिटिश रूल कहा गया। इसकी वजह यह थी बच्चों, नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, अगर आप अर्न करते हो तो भी खाओगे, नहीं अर्न करते हो तो भी खाओगे, इट इज इजीली अवेलेबल टू ऑल एंड इट वाज अ वेरी बेसिक नीड ऑफ एवरीवन, सबको चाहिए था, तो वो फ्री था पहले और बहुत कम पैसों में लगभग मिल जाता था, तो हर कोई इसको खा पा रहा था, गरीब को प्रॉब्लम नहीं थी, पुअर पीपल को, लेकिन आप टैक्स लगा दिया तो पुअर पीपल नमक भी नहीं खा पाएंगे, तो ये वर्स्ट फेज कहा गया, ये वर्स्ट पॉलिसी कहा गई ब्रिटिशर्स की। तो गांधी जी ने कहा कि अगर इफ नॉट, गांधी जी ने कहा कि अगर 11 मार्च तक मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा, समझ रहे। और ऐसा ही हुआ, इरविन ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट था वो लॉन्च कर दिया। मूवमेंट क्या, कैसे लॉन्च किया बच्चों, इंटरेस्टिंग बात देखो, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे 78 वॉलेंटियर्स के साथ शुरू किया, साबरमती आश्रम इन गुजरात, ठीक है, गुजरात से शुरू की उन्होंने अपनी दांडी मार्च यानी कि पद यात्रा, पैदल चले थे सारे लोग, तो भाई ये 240 माइल्स इनको पैदल चलना था, जो कि इन्होंने तय किया 24 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना किलोमीटर पैदल चले, 10, राइट, तो 24 × 10 इज इक्वल्स टू 240, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और कहा जाके खत्म की दांडी पे, जहां पे नमक बनाना था, समुद्र था वही नमक बनाया इन्होंने, तो ये पैदल चले। इसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, ये एक बहुत अच्छा एंड है जो मैं आपको भी बताऊंगी। फाइनली पहले देखते हैं, खत्म हुई 6 अप्रैल को, 10 दिन लगातार चलने के बाद, और गांधी जी समुद्र में पहुंचे डांडी में, उन्होंने नमक का पानी जो था वहां का समुद्र का, उसे बॉईल किया, उबाला, नमक बनाया और जो ब्रिटिश राज की जो लॉ थी वो ब्रेक कर दी, तोड़ दी, ठीक है, उसका उल्लंघन कर दिया कि हम ये लॉ नहीं मानते, हम कोई सॉल्ट पर टैक्स नहीं देंगे, सॉल्ट हमारा अधिकार है और वो सबके लिए है। जैसे ही यहाँ पे ये हुआ 1921 to 1920s में, सारे लोगों ने आजू बाजू ना सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया मतलब अपने तरीके से, बल्कि उन्होंने सारी कॉलोनियल लॉ तोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि गांधी जी ने एक सिग्नल दे दिया कि भाई मैं लॉ तोड़ रहा हूँ, तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया। ये शुरुआत हुई। फिर इसके साथ यहाँ पर फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव दोहराए गए, जैसे कि लोगों ने लिकर शॉप्स को पिकड अप किया यहाँ पे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, विलेजेस जो थे वो अपना जो ऑफिशियल्स थे वो नहीं, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, जो पीजेंट्स उन्होंने रेवेन्यू पे करना छोड़ दिया, तो सब अपने अपने हिसाब से उस इसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पदयात्रा निकली बच्चों, इसमें वुमेन्स का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, जिसकी लीडर थी सरोजिनी नायडू जी, और बहुत सारी वुमेन्स ने इसको ज्वाइन किया और ये एक पहला मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन इतने बड़े लेवल पर देखा गया। पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, इवन बच्चों ट्राइबल पीपल ने भी सारी फॉरेस्ट लॉस को तोड़ दिया, रिजर्व फॉरेस्ट में घुस गए, वहां पे भी सामान को जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो हर जगह पर लोग ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज को ब्रेक कर रहे थे, उनकी कोई बात नहीं मान रहे थे, सब एकदम आमादा हुए थे वायलेंस करने पर, ये समझ लो। जैसे जैसे ये काम बढ़ता गया, जैसे जैसे ये सब लोग भड़कते जा रहे थे, भड़कना इज अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन इंस्पायर हो रहे थे, बेहतर मैं कहूँ कि गांधी जी की इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से, वैसे वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डर रही थी, अब वो डर गई थी पूरी तरीके से, उसको पहले सब रोकना था, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ेगा,
तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर. उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को सबसे पहले अरेस्ट करना शुरू किया, और उसमें सबसे पहले अरेस्ट हुए खान, अब्दुल गफर खान, जो कि गांधी जी के बहुत बड़े डिसिपल, बहुत बड़े फॉलोअर माने जाते थे. इनको अरेस्ट किया, और जैसे ही इन्हें अरेस्ट किया अप्रैल 1930 में, सारा जो पब्लिक था वो गुस्से के हमारे सड़क पर उतर आया. ये हद थी लोगों के मोटिवेशन की यहाँ पर और रिवोल्ट की, कि सामने से गोलियां चल रही थी ब्रिटिश राज की, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई असर नहीं पड़ा. एंड देवर स्टिल ऑन देयर स्ट्रीट्स, राइट? दे स्टार्टेड फेसिंग द पुलिस फायरिंग, इवन मेनी वर किल्ड इस प्रोसेशन में. और उसके वन मंथ के बाद, जस्ट आफ्टर दी वन मंथ एमजी, दैट मीन्स महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड. और जब ऐसा हुआ था, आप सोच सकते हो, जब इनके शिष्य अरेस्ट हुए थे तो इतना लोग गुस्सा हो गए थे. अब जब एमजी अरेस्ट हो गए, महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए, तो लोगों का क्या गुस्से का लेवल होगा. और वो ये लेवल था दैट शोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, जला दिया, वहां पे आग लगा दी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अटैक कर दिए, कोर्ट्स पर अटैक हो गया, जुडिशियल सिस्टम पर अटैक हो गया, हर वो चीज जो वहां पे ब्रिटिश सिंबल था, ब्रिटिश राज का सिंबल था, हर वो चीज अटैक करके उड़ा दी उन्होंने. ठीक है, तो इस ये सब करने में अब आप सोचो कि इधर से अटैक हो रहा तो उधर से ब्रिटिश तो जो रहेगी नहीं, उन्होंने भी आंसर किया. और उनके आंसर करने में मैनी वुमेन, चिल्ड्रन, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे वुमेन्स को नुकसान हुआ, चिल्ड्रन को नुकसान हुआ, ओल्ड पीपल को नुकसान हुआ, ये सारे लोगों पर अटैक हुए. लगभग आप कह सकते हैं लैक्स ऑफ पीपल वर डाइड. ठीक है, यहाँ तो कम फिगर लिखी हुई है, लैक ऑफ पीपल वर अरेस्टेड ऑल्सो, मेनी वर किल्ड, इतने लोग अरेस्ट हो गए. और ये जब वॉयलेंस मच गया, इतना कुछ वॉयलेंस हो गया, तो गांधी जी ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि इस मूवमेंट को भी सारे मूवमेंट की तरह बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगेन द मूवमेंट हैज टर्न वॉयलेंस. तो अब इसके आगे मैं आज नहीं बताऊंगी, पहले आप इसी की एक वीडियो, एक छोटे से मूवी देख लीजिए, दैट हाउ द दांडी मार्च वॉज प्रोसेस्ड, कैसे वो चल के, कैसे लोगों ने उसको सपोर्ट किया, और फिर वो डांडी पहुंची और गांधी जी ने वापस ऑल लोगों को ब्रेक किया, उसके बाद ये सब हुआ. तो ये सबको पहले देख लीजिए, आराम से सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, इफ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट करिए, और उसके बाद में इसके आगे बढ़ो. ओके, सो वॉच मूवी वेरी केयरफुली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टॉपिक, वेल एंड डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, क्योंकि एक होता है कि जस्ट देख लेना, एक होता है कि उसको एनग्रॉस कर लेना, तो आपने एनग्रॉस करना है अपने अंदर. फाइन, In 1927, Simon Commission was set up with the sole objective to study the political reform in India. This was not welcomed by the Indian leaders, as none of the members of the commission were Indians. Therefore, they decided to boycott it when the commission arrived in India in February 1928. They shouted slogans, Simon go back, Simon go back. In this protest, Lala Lajpat Rai was severely hurt, and later he succumbed to his injuries on November 17, 1928. In 1929, the Indian National Congress met at Lahore under the leadership of Jawaharlal Nehru. The motive was to declare a Purna Swaraj and enjoy complete freedom. Therefore, the new tricolour flag was hoisted and the first Independence Day was declared on 26th January 1930. This day is celebrated as the Republic Day in India. Amidst this, the British government in India tried to offer political concessions. However, those were not accepted to the Indian National Congress. Here, Gandhiji gave a call for a civil disobedience movement on March 12, 1930. With this movement, the laws passed by the British were disobeyed. Protest was made against liquor shops, foreign goods were burned, and government schools and colleges were boycotted. Civil disobedience movement was launched by Gandhiji with Salt Satyagraha in March 1930. The British East India Company had imposed high tax on salt. It also barred the people from making salt.
The salt satyagraha began with the historic Dandi March. It started from Sabarmati on March 12, 1930. He reached the coastal village of Dandi on April 6th. As a symbol to defy the British laws, Gandhiji picked up a handful of salt. People began to manufacture salt and sell it openly on the streets. The movement also saw active participation of a large number of women under the leadership of Sarojini Naidu. The government tried suppressing the movement by arresting all important Congress leaders. The civil disobedience movement inspired many more people. Khan Abdul Ghaffar Khan formed a society of Khudai Khidmatgars or servants of God. This society consisted of Pathans and was known as the Red Shirts. Khan Abdul Ghaffar Khan was popularly called the Frontier Gandhi. The impact of civil disobedience movement was strong and it shook the strong foundation of the British Empire in India.